वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुपका सितारा। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, थोड़ा सा इंटरटेनिंग ना हो, थोड़ा सा म्यूज़िक का तड़का ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आज दो बहुत ही प्यारे मेहमानों को हमने दावत दी जो बहुत दूर से ट्रेवल करके आए हैं, सरगोधा कोट मोमिन से, और बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट रखते हैं सिंगिंग का। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करवाती चलूँ, जनाब सिंगर रोहेल वकास, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं गिटारिस्ट असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बड़ा रिवायती सा सवाल मैं पहला करने वाली हूँ, जो कि आई एम श्योर कि जिस भी प्रोग्राम में आप जाते होंगे लोग आपसे पूछते हैं, कब आगाज हुआ म्यूजिक जर्नी का, सिंगिंग का? मैंने म्यूजिक का बेसिकल, मैं सरगोधा के साथ, मेरा सिटी कोट मोमिन, और मैंने फर्स्ट सिंगिंग कंपटीशन हुआ था सरगोधा में, वहाँ से मैंने विन किया था। फिर उसके बाद मेरी लाइफ का सबसे पहला मॉर्निंग शो हुआ था इस्लामाबाद के टू चैनल में। उधर से फिर मैंने लाहौर में प्रॉपर मतलब कि क्लासेस ज्वाइन की, क्लासेस सीखा मैंने, अभी भी सीख रहा हूँ साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि मेरे एल्बम हो चुके हैं, काफ़ी गाने हैं मेरे, और अभी 3 गाने मेरे और भी आ रहे हैं। इसके अलावा हर चैनल पे कॉन्सर्ट वगैरह सब। तो प्रोफेशनली स्टार्ट कब हुआ? वो जो कहते हैं ना, बचपन से शौक एक होता है घर में, यू नो टैलेंट होता है, वो सिलसिला चलता रहा हमेशा, बचपन से ही था? बिल्कुल, बचपन से मुझे शौक तो बचपन से था, घर में मतलब गुनगुनाता रहता था, लेकिन इस फील्ड में मुझे 8 साल हो गए हैं। पहला ट्रैक कौन सा था आपका? सॉरी, पहला ट्रैक कौन सा था? पहला ट्रैक मेरा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मैंने किया था। फिर उसके बाद सेकंड जो था मेरा इश्क दा रोग था, बहुत अमेजिंग सॉन्ग है। फिर तेरे बिन, और भी काफ़ी गाने मेरे। जब आपने पहली बार जब आप प्रोफेशनल फील्ड में आ रहे थे और ऑडियंस के सामने लाइव गाना, वो बड़ा आई थिंक ये बड़ा ख़ास टाइम होता है, बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है हर एक की ज़िंदगी में, वो टाइम कोई नहीं भूलता। आई एम श्योर आपकी भी मेमोरी में बहुत क्लियर होगा। नर्वस थे, एक्साइटेड थे, क्या हुआ? एक्साइटेड बहुत ज़्यादा था, और जब ऑडियंस के सामने आए तो नर्वस हो गए। पहला टाइम था ना? पहला टाइम था, तो फिर बस उस वक्त ऐसे था कि ना अब मैं आंखें बंद करके कर, वो नर्वस हो जाता था ना, तो वो नर्वसनेस में कोई ब्लंडर हुआ? अक्सर हो जाता है ना जब इंसान थोड़ा सा यू नो, तो लेकिन मैं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करता था, नर्वस था, लोगों की तरफ देख नहीं सकता, लेकिन प्रॉपर रियाजत स्टार्ट कर दी हुई थी, प्रॉपर सीखना तब शुरू कर दिया हुआ था उस टाइम तक, शुरू प्रैक्टिस करता रहता था। हाँ जी, कौन आपके उस्ताद? कौन मेरे उस्ताद मोहतरम हैं? सैयद इश्तियाक जाफरी साहब, सजाद बरी साहब। ये ठीक है। और असलम आपके साथ उन्होंने कब ज्वाइन किया? मिस्टर असलम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम 1 साल से इकट्ठे एक बैंड में हम काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग से आपके साथ हैं? स्टार्टिंग टाइम से ही। अच्छा, तो कुछ लाइव सुन लेते हैं आपसे। क्या सुनाएंगे लाइव? कहाँ हो तुम चले आओ। आहा, क्या बात है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम कारा है, कहाँ हो तुम
गाती खूब रोहेल, तो क्या गाना ज्यादा पसंद है, पॉप, क्लासिकल, गजल, फेवरेट क्या है? फेवरेट मैं गजल है, लेकिन मेरा जो जॉनर है मैं वो गाता हूँ पॉप ज्यादा। हाँ, कौन है फेवरेट गुलकार, किसको सुनकर बड़े हुए हैं आप? मेरे फेवरेट जो है ना आतिफ असलम है। हाँ, उनसे इंस्पायर। हाँ, वो पहली बार आतिफ का जब आदत आया था तो क्या हवा चली थी। वो आदत ऐसी आदत हुई फिर ना। हाँ, वो आदत पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गई। अच्छा, तो वहाँ से बड़ी मोटिवेशन मिली कि आतिफ असलम से? श्योर, बिल्कुल। मेरा आदत वायरल भी हुआ था सोशल मीडिया पे, 20 मिलियन उसके व्यूज हुए थे, और इवन कि मैं आतिफ असलम को लाइव भी। फिर जनाब फरमाइश कर लेते हैं आपसे एक और गाने की। Oh,
रोहेन आपने तो कमाल कर दिया, आप तो छा गए, बहुत ही खूबसूरत। इसे कहते हैं नाजरीन माहौल बना देना, और बड़ी प्यारी हमारी तो बचपन की मेमोरीज वैसे भी इस गाने के साथ है, यू नो, मौजूद हैं। आतिफ असलम नो डाउट सच अ मोटिवेशन इंस्पिरेशन है यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए, उनकी जर्नी है वो भी बड़ी अमेजिंग है। आपको तो मैं लाजमी कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी, आपने बहुत ही खूबसूरत गिटार बजाया, वेल डन। कब से बजा रहे हैं आप गिटार? मैं 2015 से स्टार्ट किया था मैंने अपना गिटार, शौक बहुत था सीखने का। अल्हम्ब्रा गया वहाँ पर, देखा तो बच्चे भी अक्सर प्ले करते थे, उनको देख के शौक पड़ा। सिखाता तो कोई नहीं, खुद सीखना पड़ता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट होगा तो आप सीखेंगे। तो फिर सीखा, फिर न्यू स्टाइल में सीखा कि यही सीखा। That's amazing, और बहुत अच्छा आपने इंस्ट्रूमेंट बजाया। हमें न्यू चीजें लानी चाहिए आगे कि ये भी हम गिटार पे बजा सकते हैं। तो रोहिल आपको तो किसी भारी भरकम बैंड की जरूरत नहीं है, आपका तो पूरा बैंड मेरे ख्याल से ये तो 3-in-1 आप साथ लेकर। मिस्टर असलम बहुत अच्छा गिटार प्ले करता है। अभी हमने ना एक चैनल पे मैशअप किया था, उसमें मिस्टर असलम ने ड्रम बीट बीच में दी, और मतलब कि मैं इस देख रही कि वो गिटार से हटकर भी काफी तरह का हमने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इसमें कम है। अच्छा, अभी वो नहीं है, वो लाया नहीं। That's amazing. अच्छा, तो गाना जनाब जुनून है या शौक तो होता ही है, और शौक ही वैसे जुनून बनता है, और आप तो प्रोफेशनली भी कर रहे हो। अभी आतिफ असलम के अलावा अदर देन आतिफ कौन फेवरेट हैं आपके, या किसको सुनना पसंद करते हो? मैं आतिफ असलम के अलावा मतलब कि मेरे जो मैडम नूर जहाँ, सानूस साहब, मेहदी हसन साहब, ए नियर साहब, किशोर साहब, मतलब कि जो हमारे सब लेजेंड है, मैं उनको सुनता हूँ, वो लाइक करता हूँ। जब कहते हैं कि बंदा फ्री माइंड होता है, सफर पे जा रहे होते हैं, तो किशोर साहब के गाने लगा के सुनते हैं। डिपेंड्स ऑन मूड ना, हर वक्त हर मिजाज का एक अपना यू नो आपका जो मिजाज होता है, मिजाज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का म्यूजिक बिल्कुल, बिल्कुल सुन रहे हो। और हमारे जो ओल्ड सॉन्ग है वो तो लिरिक्स और गायकी और इतने खूबसूरत लिखे गए, क्या ही बात है उन गानों की। तो अभी लगता है कि जो भी कि आजकल के गाने अक्सर मैंने अपने बड़ों से सुना, कहते हैं भाई शोर शराब है, कहाँ हमारे बड़ों को हमारे आजकल के जो सॉन्ग्स हैं या गाने वो पसंद आते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम हो रहा है इन पाकिस्तान। बिल्कुल, आपको पता है कि म्यूजिक चेंज हो रहा है। हाँ, आजकल की जो ऑडियंस है ना, उनको मतलब कि म्यूजिक का पता नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि यार बस ड्रम बीट हो, शोर हम डांस कर रहे हो, शोर कर रहे हो। लेकिन आपको जो अक्सर मैंने सिंगर देखे हैं कि ओल्ड सॉन्ग उनको रिमिक्स करके कर रहे हैं और बहुत अमेजिंग हो रहे हैं। इंडिया में भी ऐसे करते हैं लोग, मतलब कि सॉन्ग वगैरह कॉपी करते हैं ओल्ड सॉन्ग के, हमारे पाकिस्तानी जो ऑफिशियल सॉन्ग हैं उनको वो रिमिक्स करके रिलीज करते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे काफ़ी सॉन्ग ऑफिशियल हैं। अभी मैं भी एक ओल्ड सॉन्ग एक दो हैं वो कर रहा हूँ, जल्दी इंशाल्लाह रीमेक कर रहे हैं उनको, रिमिक्स कर रहा हूँ। अच्छा, कौन से गाने हैं? फर्स्ट तो मैं कर चुका हूँ मैडम नूर जहाँ का, सानू नहर वाले बोलते बुला के। अब नेक्स्ट जो है ना, मैं मैशअप कर रहा हूँ। अच्छा। इसमें मैडम नूर जहाँ के सॉन्ग है और रेशमा जी के हैं। कंप्लीट हो गया अभी या इस पे काम थोड़ा सा यानी कि हम सुन सकते हैं प्रोग्राम में आगे चलकर, या अभी इन प्रोसेस है? अभी इन प्रोसेस है। अच्छा, चले मुझे ये बताएं कौन सी फीमेल सिंगर है जिसके साथ आपने स्टेज शेयर करने का ड्रीम देखा है, या आपको लगता है कि नहीं होना, बड़ी कमाल की गुलूकार हैं, बड़ा मज़ा आया, बड़ा ज़बरदस्त हो? मुश्किल सवाल हो गया क्या? पाकिस्तान में फीमेल सिंगर कम है, एक ही है, हमारे मैडम नूर जहाँ थे, ठीक है ना, उनके साथ। लेकिन मेल में अगर देखा जाए तो वो आतिफ असलम में ठीक है। आतिफ असलम के साथ ही स्टेज शेयर करेंगे, मुलाकात हुई वैसे कभी? कुछ है, कोई कहानी है इसके पीछे? बहुत अजीब स्टोरी है। हाँ, तो सुनाए ना अजीब स्टोरी, तो सुनने का हमें बड़ा मजा आता है। कुछ ना पूछिए, बस वो पास से गुजर गए, अनजान बन गए। दो दफा हाथ साथ में मतलब मुलाकात नहीं हो सकी प्रॉपर। मुलाकात लास्ट दफा इनका कौन सा था, डिफेंस एरिया पे, तो हम वहाँ पर गए आतिफ असलम को मिलने के लिए। आतिफ असलम, मैं बताता हूँ एक्चुअली, मैं क्योंकि जैसे कहते हैं ना, जैसे लैला को मजनू से इश्क होता है, वैसे वाला आपका क्रश है ना? क्रश है मुझे आतिफ के सॉन्ग और आतिफ की वॉइस से, बहुत लव है, प्यार है, प्यार है। और फर्स्ट टाइम जब मैं आतिफ को मिला था, पैजिस मॉल में उसका इवेंट हुआ था, साउंड चेक करने के लिए था, जैमिंग के लिए। तो जब स्टेज से नीचे उतरा मैं, मैंने कहा आतिफ भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, आपके सॉन्ग करता हूँ हर इवेंट, कौन साइड पर खड़े हो गए, कहते कुछ सुनाऊंगा। मैंने इनको गाना था वो मेरे खुदा, वो सुनाया, ऐसे देखने लगे मुझे, कहते कुछ और सुनाओ। फिर मैंने आदत सुनाया जो वायरल हुआ था,
ऐसे देखो ना वो चलेगी नहीं क्या, तो बस मुझे उस बात की समझ नहीं आ रही कि उनका क्या रिएक्शन था। हाँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा डिसहार्ट भी हुआ था, तो मैंने कहा यार मैं एक शख्स को 8-10 साल से गा रहा हूँ मैं उसको हर टीवी चैनल पे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या होता? एक्सपेक्ट व्हाट्सएप चेंज करते रात को जब भी कॉल होती उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस क्या थी? मेरा ये ड्रीम था कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपको कमेंट्स चाहिए थे कि कुछ आपको वो फीडबैक देते ऑन योर सिंगिंग, उसके साथ जस्ट एक सॉन्ग गाना चाहता था आतिफ के साथ, ये एक मेरा ड्रीम था। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। मैं आपको जिंदगी ऐसे बहुत सारे मौके देगी, आपकी बहुत सारी लोगों से मुलाकात होगी। अच्छा एक ट्रैक सुन लेते हैं, प्रोग्राम की क्लोजिंग की जाने बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया इन प्रोग्राम, और जितना खूबसूरती से आपने आदत गाया, जाने से पहले हमारी ऑडियंस को क्या ट्रीट देंगे? ऑडियंस को फिर यही दूंगा कि अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और पाकिस्तान जिंदाबाद। दैट्स अमेजिंग, तेरे बिन सुनते हैं आपसे और आपसे उसके बाद चाहेंगे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।